बीपीएससी टीआरई 2.0 की 7 दिसंबर से ही शुरुआत हो गई है और आज दूसरे चरण की जो परीक्षा है उसका दूसरा दिन है। और आज बड़ी खबर यह है कि जो परीक्षा होने वाली थी निर्धारित समय पर, उस समय में बदलाव किया गया है। 12:30 से जो परीक्षा होने वाली थी वो अब 2:30 बजे से होगी। ये समय में क्यों बदलाव किया गया है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानने के लिए हम सीधे चलेंगे अपने संवाददाता विवेक के पास जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, ये जो बदलाव हुआ है परीक्षा के समय अवधि में, इस बदलाव के पीछे की वजह क्या है? जी बिल्कुल नवीन, बीपीएससी के दूसरे चरण की परीक्षा चल रही है, ऐसे में लेकर आज जो है, आज 8 दिसंबर है, आज जो परीक्षा होने वाला था 12:30 बजे से जो पहली सीटिंग का, उस परीक्षा का जो समय जो है बदलाव किया गया है, जो 2:30 बजे से होगा परीक्षा। जो अभी चक्रवाती तूफान को लेकर जिस तरीके से भारत के दक्षिणी राज्यों में और उत्तरी राज्यों में जिस तरीके से जो प्रकोप है उसको देखते हुए, और रेल का जो परिचालन है उसमें जो रूट में जो किस तरीके से बदलाव किया गया है, कुहासे को भी देखते हुए, ठंड के मौसम को लेकर, ऐसे में लेकर बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद, उन्होंने खुद ट्वीट कर जानकारी दी है कि जो आज का जो परीक्षा होगा वो उसका जो समय है 2:30 बजे होगा। यानी जो बच्चे लोग हैं, जो कैंडिडेट लोग हैं, वो लोग 12:30 से 1:30 बजे के बीच सेंटर पे मौजूद हो जाएं और जो परीक्षा जो चलेगी वो 2:30 बजे से चलेगा। लेकिन बता दें कि जो ये जो परीक्षा आयोजन करवाई है कल से इसकी शुरुआत हो गई है, 15 दिसंबर तक चलेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं जो अब जो अभ्यर्थियों का और जो छात्रों को भी, अभ्यर्थियों जो लोग वो लोग भी आक्रोश हैं, जो बिहार के अभ्यर्थियों वो लोग कई तरीके के सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उन पे ट्वीट कर रहे हैं, और साथ ही साथ फेसबुक हो या और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस पे ट्वीट करके बता रहे कि किस तरीके से बिहार के जो अभ्यर्थियों उनके साथ अतुल प्रसाद छलावा कर रहे हैं। एक तरफ जो बीपीएससी का जो एग्जाम इसमें जो हो रहा है, इसमें बाहरी कैंडिडेट भी सबसे ज्यादा हैं, इसको देखते हुए, और एक तरफ जो अतुल प्रसाद है वो दूसरे राज्य के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, ऐसे में लेकर अभ्यर्थियों की नाराजगी भी एक तरफ है, एक तरफ के जो कही जाते बाहर के जो अभ्यर्थी हैं उनमें खुशी की भी लहर है कि हमारे लिए आयोग कदम उठाइए कि ट्रेन अगर लेट चल रही है तो हम लोग सही समय पर नहीं पहुंचते हैं, तो हम लोग में समय में बदलाव किया गया, ये अच्छी पहल है। लेकिन बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनमें काफी नाराजगी भी देखने को मिल रहा है। जी नवीन बिल्कुल विवेक, ये जो नाराजगी की आपने जिक्र की, लेकिन अगर कुछ ऐसा लगता है प्रबंधन को, आयोग को, अगर कुछ ऐसा लगता है कि कहीं पे त्रुटियां हो सकती है, तो अगर उसकी वजह से परीक्षा के समय अवधि में बदलाव होता है विवेक, तो इसमें नाराजगी वाली बात तो कहीं होनी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, जो कल से एग्जाम की शुरुआत हो गई है, कल और आज के मौसम में देखा जाए तो आज के मौसम में थोड़ा सा साफ दिखने को मिला, लेकिन कल जो पूरा दिनों अंधेरा छाया रहा, और ऐसे में लेकर सुबह ही 8:30 बजे जो अतुल प्रसाद हैं, जो बीपीएससी के चेयरमैन है, वो ट्वीट कर ये जानकारी दी कि आज की जो परीक्षा होगा उसका जो समय है उसमें बदलाव किया गया। जो ये बता दे कि अपने दर्शकों का, जो अभ्यर्थी लोग जो देख रहे हैं उन लोगों को बता दे कि आज के लिए ही जो है उनका जो समय है बदलाव किया गया, कल जो है कल के लिए सोचा जाएगा। जो अतुल प्रसाद है वो कल देखेंगे किस तरीके से मौसम में जो रहती है बदलाव, या मौसम इसी तरीके से रहता है तो उसमें भी कल भी अगर हो सकता है तो कल भी समय में बदलाव किया जा सकता है। लेकिन जो बिहार के जो अभ्यर्थी हैं जो देखे होंगे जो जिनका पटना में सेंटर हो, चाहे नालंदा हो, चाहे और भी जिले सेंटर हो, आसपास के जो इलाके हैं वो तो सही समय पर पहुंच जाते हैं। अगर 12:00 बजे से 12:30 बजे से एग्जाम है तो 11:30-12:00 बजे तक पहुंच जाते हैं। और ऐसे में जो बाहरी कैंडिडेट हैं जो आते हैं कई किलोमीटर दूर से, उनको पहुंचने में ट्रैफिक का भी देखना पड़ता है, उसके साथ साथ जो अगर रेलवे से आते हैं तो सही समय पर रेलवे का गाड़ी नहीं पहुंच पाती, ट्रेन नहीं पहुंच पाती है, इसको लेकर भी कई तरीके के जो है रहती है, उसको देखते हुए अतुल प्रसाद ने इस कदम को उठाया है। लेकिन ऐसे में बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनको नाराजगी देखने को इसके वजह से मिल रहा है कि बाहरी कैंडिडेट हैं उनको सबसे ज्यादा इसमें भरी गया है, और इसके साथ जो बिहार के हैं उनको
उनके साथ छलावा किया गया, इस तरीके से जो अतुल प्रसाद है इस तरीके समय में बदलाव कर रहे हैं। जी नवीन, बिल्कुल ये शिकायत तो थोड़ी सी जायज भी लगती है, क्योंकि जो बिहार के अभ्यर्थी हैं, जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए और हमेशा इसे लेकर अभ्यर्थी अपनी आवाज को भी बुलंद करते आए हैं विवेक। लेकिन एक अच्छी पहल हम ये कह सकते हैं विवेक कि आयोग की ओर से इसे नोटिफाई किया गया, बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो ट्वीट करके ये जानकारी साझा करते हैं ताकि अभ्यर्थियों के बीच किसी तरह की मतभेद की स्थिति पैदा ना हो, कोई हड़बड़ ना हो, कोई पैनिक ना हो और सभी अभ्यर्थी जो है वो तय समय पर वहां पर पहुंचे, किसी के बीच कोई पैनिक ना हो, इसका ख्याल रखा गया है। में जो बदलाव किया गया है इसका भी आप देखो, एक दिन पहले अगर सूचित की जाती है कैंडिडेट को तो उसको कह सकते हैं कि अच्छी पहल है, लेकिन जो उनका जो एग्जाम होता है 12:30 बजे से और 11 बजे तक लोग सेंटर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जो ये ट्वीट कर 2 घंटा पहले पहले जानकारी दिया गया, बच्चे तो सिर्फ एग्जाम के प्रिपेयर के लिए लगे रहेंगे लेकिन उनको तो ट्विटर से कोई मतलब नहीं कि क्या ट्वीट आया है बीपीएससी की तरफ से, उनका तो जो कही जाए तो ध्यान रहता है कि 11:30 बजे को है चलना है हमको इस एग्जाम सेंटर पे, लेकिन उससे पहले 2 घंटे पहले इस तरीके का बदलाव किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो कहीं तो काफी नाराजगी तो देखने को ही मिलेगा कि बच्चे लोग हम लोग प्रिपेयर है कि हम 11:30 बजे हम सेंटर पे पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 11:30 बजे सेंटर पे पहुंचने के बजाय जो एग्जाम का जो समय है उनको 2:30 बजे कर दिया गया है, तो कहीं ना नाराजगी तो बिहार के बच्चों के साथ देखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो बिहार के जो अभ्यर्थी काफी जो आरोप भी लगा रहे हैं कि इसमें जो बाहरी कैंडिडेट है बाहरी कैंडिडेट को बढ़ावा दिया गया है, पिछले दिनों भी जब देखा था तैयारी 1.0 का भी उसमें भी बाहरी कैंडिडेट सबसे ज्यादा थे और इसमें भी सबसे ज्यादा अगर 125,000 का जो वैकेंसी आया उसमें भी अधिकतर लोग जो कही जाए तो कम से जो 2 लाख कुछ बच्चे जो फॉर्म फिलअप किए हैं, 2 लाख कुछ बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें अधिकतर जो बच्चे हैं वो बाहरी राज्य के हैं, ऐसे में लेकर बिहार के जो अभ्यर्थी हैं वो एक तरफ अतुल प्रसाद पे छलावे का आरोप लगा रहे हैं कि अतुल प्रसाद जो आते हैं उत्तर प्रदेश से इसलिए उत्तर प्रदेश और झारखंड हो और अदर स्टेट वाले को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिए हैं बिहार के साथ और बिहार के बच्चे के साथ के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हैं। जी नवीन, बिल्कुल विवेक, तो ये शिकायत भी है कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की। हालांकि 2:30 बजे से अब परीक्षा की शुरुआत होगी और मौसम को लेकर ये फैसला लिया गया है। बहुत धन्यवाद विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी कि दूसरे चरण की जो परीक्षा की शुरुआत हुई है उसका आज दूसरा दिन है, कल से ही परीक्षा की शुरुआत हुई है और आज समयावधि में बदलाव किया गया है। 12:30 से जो परीक्षा होने वाली थी वो अब 2:30 बजे से शुरू होगी। हर्ष रीजेंसी, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो या हो एनिवर्सरी बर्थडे मैरिज पार्टी या किटी पार्टी या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपके हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रीजेंसी। 26 AC एंड non-AC रूम्स, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स, होटल हर्ष रीजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रीजेंसी, स्वर्ण रेखा पुल, हटिया, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।